इकाई 9 ममता कहानी। रोहता सदुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहां था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दे दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यहां कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोश सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्विंतयंतो माम ये जनाहा पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओट काट लिए। हां माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं,
इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई? उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहां से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहां नहीं, नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहां कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहां है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उनके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूं। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था।